अलार्म भी लगे हुए हैं। 1500 वॉट की मोटर है, सही ये 70-75-80 किलोमीटर चलती है एक चार्ज पे। एक चार्ज पे 80 किलोमीटर? जी जी 80 किलोमीटर चलती है। इलेक्ट्रिक चला रहा है वो हंसता हुआ जाएगा, बोलता देखो ये देखो पेट्रोल डला रहे हैं, मैं तो सकुंद जा रहा हूँ, ना मैंने मैकेनिक के पास जाना है, ना मैंने कोई पेट्रोल डलाना है, ना ऑयल डलाना है, ना कोई काम कराना है। सही है, नहीं मेरे बस आपने स्विच ऑन किया, गाड़ी की लाइट्स आ जाती हैं, क्या आपको बैटरी बता रही होती है कितनी बैटरी है आपकी, ठीक है, और आपने रेस देनी है, गाड़ी चल पड़नी है, ये देखें। अच्छा जी, सही, सारा पार्ट 70 का लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको कोई चीज ना मिले, लेकिन इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, दोनों अगली और पिछली डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है आपको इसमें। सही, डिस्क ब्रेक और ये 80+ जाती है एक चार्ज पे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हालचाल है आपको, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और आज की डेट में तो 330-332 रुपए रेट चल रहा है, और आगे कहा जा रहा है कि भाई ये तकरीबन 400 के ऊपर तक जाएगी। तो पेट्रोल की बढ़ती हुई जो प्राइसेस है उसको मद्देनजर रखते हुए और उसको देखते हुए जो इलेक्ट्रिक बाइक है इसका रुझान जो है आजकल काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसी को जानने के लिए आज हम अकबर रोड सदर पे आए हैं, यहाँ पर देखने के लिए कि भाई जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसकी क्या प्राइस चल रही है, वो कितने की पड़ेगी आपको, और उसकी मतलब कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल है, तो ये सारा कुछ जानेंगे। मैं आया हूँ तारिक भाई की शॉप पे, तो यहाँ पर इनसे जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक में जो है इनकी मोटर कितने वॉट की होती है, ये इसके प्राइस क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है तारिक भाई, खैरियत से? तो तारिक भाई दिखाना शुरू करें, बाइक में क्या क्या आइटम लगा हुआ है, कितने वाट की मोटर है, क्या चार्ज माइलेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए देखिए, ये है इलेक्ट्रिक बाइक, सही, पार्क जोन के नाम से। अच्छा ठीक है ना, इसमें बैटरी लगी होती है ड्राई जेल। अच्छा ठीक है ना, इसमें ये होता है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता, बस आपने स्विच ऑन किया, गाड़ी की लाइट्स आ जाती हैं, क्या आपको बैटरी बता रही होती है कितनी बैटरी है आपकी, ठीक है, और आपने रेस देनी है, गाड़ी चल पड़नी है, ये देखें। अच्छा जी, सही, इसमें स्पीड का है, 3 मोड दिए हुए, 1, 2, 3, 3 मोड है यहाँ पर, ये देखें सिंगल मोड पे चल रही है, फिर डबल मोड तेज हो जाती है थोड़ी सी, और ये फास्ट हो जाती है तेज, सही ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 55 किलोमीटर, 55 की स्पीड से जाती है, सही ठीक है ना, और इसमें आपका मैकेनिक का ताल्लुक खत्म हो जाता है, सही, मैकेनिक का कोई ताल्लुक नहीं है, सही ठीक है ना। और इसमें बता देता हूँ, बैटरी आपकी ड्राइजल हो गई है, सही, 5 बैटरियां लगी होती है इसमें, ठीक है, और मोटर इसमें होती है 1500 वॉट की मोटर है, 1500 वॉट की, जी जी 1500 वॉट की मोटर है इसमें आपकी, और कोई पेट्रोल का कोई मैकेनिक का आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, और ये समझे एक चार्ज पे चलती है 60-65 किलोमीटर, 60-65 किलोमीटर, जी, एक दफा चार्ज करेंगे तो 60-65 किलोमीटर चलेगी, चार्ज 7 से 8 घंटे में चार्ज होती है ये, 7 से 8 घंटे में, जी 7 से 8 घंटे, मतलब ये कि आप ये समझे कि आप पूरे दिन इसको चला रहे और रात को चार्ज पे लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब उसमें ये है कि अगर आप रात को चला इसको चार्ज भी कर रहे हैं, हाँ, तो आपका वो जहाँ चार्ज करेगा आपको ग्रीन शो कर देगा और डिस्कनेक्ट कर देगा, आपको टेंशन नहीं होगी कि यार ये ओवर चार्ज कर रहा है, ये बैटरी को भी प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, तो इसमें जिस बंदे का सफर ज्यादा है दिन में, जैसे 50-60 किलोमीटर है, हाँ तो 50-60 तो चला लेगा ना ये, आराम से चल जाएगी, 50-60 तो कम है ना, जैसे 100-150 जिसमें चलाना है दिन में, नहीं लेकिन उसमें तो और दूसरी वैरायटीज भी है हमारे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, सही है। एक इसमें मेरे पास वो आती है, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड आती है, सही, उसमें इंजन भी होता है और बैटरी भी होती है। अच्छा, वो 65-70 किलोमीटर चलती है, जब आपको खत्म हो जाए आप उसको इंजन पे ले आए, पेट्रोल डाले या चला ले, उसका बाकी सिस्टम वही है, बाकी आम मोटरसाइकिल है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है इनका कि आपको सारा पार्ट 70 का लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको कोई चीज ना मिले, सिर्फ बैटरी और मोटर कन्वर्टर कंट्रोलर ये 2-3 चीजें इसकी अलग होती है, बाकी हर चीज आम 70 वाली लगी हुई होती है, सही है। इसमें 2000 वॉट की भी नहीं, 1500 वॉट की मोटर, इसमें 1500 वॉट की मोटर लगी हुई। अच्छा, और दूसरी मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी, मेरे पास और खड़ी हुई, दिखा दे, आइए। अब ये देखें, ये एक और गाड़ी है इको दोस्त के नाम से। अच्छा जी जी, सही, ये भी वही चीज है, बस फर्क ये है कि वो जो मैंने आपको बताया था उसमें ड्राई जेल बैटरी थी, इसमें लिथियम बैटरी है, लिथियम फॉस्फेट बैटरी होती है। अच्छा, इसमें अलॉयरम लगे हुए हैं, अलॉयरम भी लगे हुए हैं, 1500 वॉट की मोटर है, सही, ये 70-75-80 किलोमीटर चलती है एक चार्ज पे, एक चार्ज पे 80 किलोमीटर, जी जी 80 किलोमीटर चलती है, सही।
और ये इसका चार्जिंग टाइम होता है 3.5 से 4 घंटे। सही सही, बैटरी वैटरी लगी हुई है, इसमें डिजिटल मीटर होता है पूरा। सही, हर चीज आपको शो कर रहा होता है। ठीक हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये टैंकी ऐसे शो के लिए, ये टैंकी शो के लिए। फिर इसमें एक और मॉडल आता है हमारे पास, अब ये देखें, ये यूनाइटेड का खड़ा हुआ है। ये भी वही चीज है जो अभी आपको दिखाई थी इको दोस्त की मैंने, ठीक है ना। बस इसमें फर्क ये आ जाता है कि इसमें भी अलॉय रिंग तो लगे हुए हैं, बैटरी भी वही लगी हुई है। सही, लेकिन इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, दोनों अगली और पिछली डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है आपको इसमें। सही, डिस्क ब्रेक और ये 80+ जाती है एक चार्ज पे। अच्छा जी, अच्छा इनकी बैटरी इसका क्या, इसकी लिथियम, इस बैटरी की चाहिए ले ले, चाहिए को दोस्त ले ले, इनकी बैटरी की लाइफ होती है 7 से 8 साल। 7 से 8 साल जी, 7 से 8 साल होती है इनकी लाइफ। सही, और उसके बाद भी अगर आपकी बैटरी अगर 6 साल बाद अगर वीक होना शुरू होती है, हाँ। तो कंपनी वाले चेक कर लेते हैं कि यार इसके कितने सेल्स वीक हैं इसके अंदर। अच्छा, तो वो सेल्स चेंज करके फिर उसकी लाइफ बढ़ जाती है। सही, ठीक हो गया। और अगर जैसे बैटरी रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो क्या कॉस्ट आती है इसकी? देखिए, इसकी अगर बैटरी पूरी रिप्लेस कराएंगे तो तकरीबन इसकी बैटरी 90-95 हज़ार रुपए की बैटरी। अच्छा, और वो जो ड्राई जेल मैंने आपको बताई थी उसकी बैटरी की बैटरी है 55,000 की, 55,000 रुपए की। लेकिन कम से कम भी 7-8 साल के बाद का खर्चा है। जी जी जी, सही जी जी। तो इसकी कॉस्ट क्या है, ये कितने की पड़ती है ये वाली? देखिए, वो जो मैंने आपको ड्राई जेल बताई थी सबसे पहले, वो उसकी कॉस्ट है 1,70,000 रुपए। सही है, ठीक है। इको दोस्त है, उसकी प्राइस है 2,30,000 रुपए। 2,30,000 रुपए जी जी, और ये है 2,60,000 रुपए। 2,60,000 रुपए जी जी जी, सही। और ये कितना, मतलब बिजली का खर्चा कितना आता है? बिजली का खर्चा सर टोटल आप समझिए 1.5 यूनिट इस्तेमाल करती है ये, आपका 1.5 यूनिट लेगी। 1.5 यूनिट में फुल चार्ज कर देगी आपका। तो फिर क्या, कितना स्लो क्यों है इसकी चार्जिंग का, 7-8 घंटे? नहीं, इसका 7-8 घंटे नहीं है सर। अच्छा, इसका 3.5-4 घंटे है। इसका वो ड्राई जेल बैटरी है ना, ड्राई जेल बैटरी का चार्जर स्लो होता है, ये फास्ट चार्जर है इसके अंदर। जैसे ये तो 3.5 घंटे में चार्ज कर देगी आपको, पूरी बैटरी आपको 3.5 घंटे में चार्ज करेगी। 3.5 घंटे में चार्ज, जी जी, चाहिए ले ले, चाहिए को दोस्त लेते हैं आप, तो 3.5 घंटे में चार्ज कर देगी बैटरी आप। सही है। अच्छा, तो ये पेट्रोल का जो प्राइसेस बढ़े हुए आज कल, तो जिसने इलेक्ट्रिक चला रहा है वो हंसता हुआ जाएगा, देखो ये देखो पेट्रोल डला रहे हैं, मैं तो सकुंद जा रहा हूँ, ना मैंने मैकेनिक के पास जाना है, ना मैंने कोई पेट्रोल डलाना है, ना ऑयल डलाना है, ना कोई काम कराना है। सही है। नहीं, मेरे पूछने का मकसद ये है कि पेट्रोल जो प्राइसेस इंक्रीज हुए, तो आपके पास कुछ लोगों का ये इसका रुझान बढ़ा है इलेक्ट्रिक? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक का रुझान बढ़ गया इस टाइम। आप देखें, इलेक्ट्रिक का माल जो हमारे पहले होता था, पहले लोगों को हम समझाते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड हो गया कि अब माल है, माल ही नहीं बच रहा हमारे पास। अच्छा, अल्लाह पाक का शुगर है। सही सही, चले ठीक हो गया। अच्छा तारिक भाई, आपकी शॉप का एड्रेस क्या सर है? मैं बता देता हूँ आपको, मेरा शोरूम है निप्पॉन ऑटोस के नाम से है। सही, अकबर रोड सदर कराची। सही, ठीक है। मेरा नाम है तारिक नसीर। सही, और मेरा मोबाइल नंबर है 0300-2208-774। ठीक हो गया जी। हाइब्रिड आती है हमारे पास राइट स्टार के नाम से। सही, ठीक है ना। उसमें बैटरी प्लस इंजन दोनों चीजें होती हैं। अब जिनकी रनिंग होती है 100+, तो उनको वो ज्यादा सूट करती है गाड़ी, कि आपने 65-70 किलोमीटर तक उसको बैटरी पे चला लिया, और फिर जाके अगर आपको कोई मौका लगता है चार्ज करने का तो चार्ज कर लिया, वरना इंजन पे जो पेट्रोल डला के थोड़ा बहुत अपना काम किया, वापस चार्ज करके लगा दी। तो मतलब ये आपको जिनकी रनिंग होती है ज्यादा, उनको वो गाड़ी ज्यादा सूट करती है। इसके लोड के बारे में बताएंगे? लोड तो देखे, ये इसमें दो बंदे बैठेंगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, वो थोड़ी सी हैवी गाड़ी है जिसमें बैटरी भी हैवी है, मोटर भी हैवी है। सही, तो उसमें दो बंदों को इतना फर्क नहीं पड़ता, पुल पे तेजी से चले जाती है वो। अच्छा, हाँ, ये चीज है। इसके ऊपर आप भी बैठेंगे तो सही? हाँ बिल्कुल चलेगी, दो बंदे आराम से बैठ के चलेंगे। आगे दिखा देते हैं आपको, यानी कि ये उन लोगों के लिए है कि जो फिर समझते हैं कि यार ये बैठ जाएगी, मोटर बैठ जाएगी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं, अच्छा भाई, ये भाई माशाल्लाह से अच्छा वजन है, तो इधर देखते हैं कि भाई चले चला के दिखाएंगे भाई कितना वेट ये उठा लेती है इजीली गाड़ी का। सही, जबरदस्त होगा। चले ठीक है तारिक भाई, बहुत शुक्रिया बात करने का, थैंक यू वेरी मच।